महासचिव आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय खड़गे जी का जोरदार शानदार तालियों के साथ आप अभिवादन कीजिए। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, मैं उनका बहुत अभिवादन करता हूं। साथ में हमारे इंचार्ज सुरजेवाला जी का भी बहुत स्वागत है। आज सम्मानीय बिरसा मुंडा जी की आज जन्म जयंती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। बोलिए बैरसिय नगरी जिस सम्मानीय श्री श्री 1008 खड़े श्री महाराज की जय। सम्मानीय हमारी माता तरावली वाली मैया की, हम बहुत कृपा पूर्वक अनुरोध करते हैं सम्मानीय सुरजेवाला साहब से कि वो हम सबको संबोधित करें। सम्मान एक नारा जोरदार लगाएंगे, पंजे का बटन दबाएंगे, बहन जयश्री को लाएंगे, पंजे का बटन दबाएंगे, जोरदार शानदार, पंजे का बटन दबाएंगे, बहुत अच्छे। आप सब लोग बहुत कृपा पूर्वक यहाँ पधारे, मैं आदरणीय सम्मानीय मंच को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बैरसिया की जनता इस बार अपने वकील के रूप में विधानसभा में बहन जयश्री को लेकर जाएगी। मैं बहुत कृपा पूर्वक बहन जयश्री, जो वे एक बहुत भारतीय संस्कारी नारी हम सबके बीच में प्रस्तुत होती है, जो आपकी कोई बहन है, किसी कोई आप उनको बेटी मानता है, कोई भाभी माँ मानते हैं, मैं बहुत कृपा पूर्वक बहन जयश्री जी हमारी उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उनको आमंत्रित करता हूं, वो हम सबसे आप सबसे आशीर्वाद वचन ले। आप सबका इसने सहयोग आशीर्वाद हिम्मत हमेशा उनको साथ देगी बहन जयश्री जी। आज बैरसिया की इस पावन भूमि पर, गुरु खड्गेश्वरी महाराज की इस पावन भूमि पर, माता हरि सिद्धि मैया की इस पावन भूमि पर, हमारे देव नारायण भगवान की इस पावन भूमि पर, माता रेन चौराहे वाली देवी मैया की इस पावन भूमि पर, हमारे बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, माननीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, माननीय श्री सुरेश पचूरी जी, माननीय श्री कुलदीप इंदौरा जी, माननीय श्री राम कश्यप किशन ओझा जी, माननीय श्री चंद्रकांत इंडोरे जी, माननीय जिला अध्यक्ष श्री अरुण श्रीवास्तव जी, माननीय प्रभारी मनोज कपूर जी, माननीय सुरेंद्र सिंह ठाकुर साहब, माननीय अवनीश भार्गव जी, और यहाँ उपस्थित सब समस्त मेरे ब्लॉक अध्यक्ष, उपस्थित मंडलम अध्यक्ष, उपस्थित सेक्टर अध्यक्ष, उपस्थित महिला कांग्रेस, उपस्थित सेवा दल और NSCI यूथ कांग्रेस, और मंच पर उपस्थित सम्मानित मेरे मंचासीन, और यहाँ पर उपस्थित मेरी सभी देहतुल्य जनता जनार्दन सभी को प्रणाम करती हूँ। साथियों, बात शुरुआत करूंगी बैरसिया के 10 सालों के विकास की। समय की कमी है, समय का अभाव है, बात करेंगे हम अपने बैरसिया के विकास की। एक लंबा समय हम एक निष्क्रिय विधायक के साथ जिस तरीके से यहाँ पर रहे हैं, मैं आप लोगों से खुद पूछना चाहूंगी, क्या बैरसिया विधानसभा 50% कमीशन से नहीं चल रही है? आप बताइए, एक भी विभाग बता दो जहां बिना लिए दिए काम नहीं होता। ये विष्णु खत्री जैसा विधायक जिसने गांव गांव दलाल पैदा कर दिए, पूरे बैरसिया विधानसभा में इतना भ्रष्टाचार, इतना कमीशन खोरी, इतनी रिश्वत खोरी किसी विधानसभा में कभी देखने को नहीं मिली है। अगर
पिता की जमीन पर पुत्र के नाम पर नामांतरण होती है तो बिना पैसे के काम नहीं होता है। साथियों हाथ उठाकर बताइए, कोई भी व्यक्ति बिना नामांतरण के काम होता है? पटवारी आपका बिना नामांतरण बिना काम पैसे लिए दिए काम कर रहा है? बिजली विभाग के गलत केसेस मेरे बेचारे गरीब भाइयों पर लगाए जा रहे हैं, किसान भाइयों को परेशान किया जा रहा है, बेरसिया विधानसभा को पूरा खोखला कर डाला है। जगह जगह दलाली कमीशन खोरी की इस सरकार को हटाने का समय आ गया है और विष्णु खत्री जैसा विष्णु खतरा को हटाने का समय आ गया है। प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं साथियों, कमीशन फिक्स कर दिया गया है, बिल्कुल हर बात तय है। बगैर पैसे के डीपी नहीं लगती, डीपी लगाने के लिए गांव वालों को परेशान करा जाता है। बेरसिया विधानसभा अंधेरे में पड़ा है, जगह जगह कहीं भी चले जाओ रोड नहीं है, ढूंढना पड़ता है गड्ढे में गाड़ी डालना, कौन सा छोटा गड्ढा है कौन सा बड़ा गड्ढा है। इतने बुरे हालात हमारे बेरसिया विधानसभा के कर दिए हैं। नल जल योजना में भारी भ्रष्टाचार है। मैं अपने सभी माननीय नेताओं को बताना चाहूंगी, आज बेरसिया विधानसभा जो राजधानी की विधानसभा है, हालात ऐसे है, दो दो किलोमीटर से मेरी बहने पानी लेकर के आती है सर पर रखकर, ट्रैक्टर ट्राली से पानी पहुंचता है हमारे जानवरों के लिए। पानी की इतनी अव्यवस्था क्योंकि नल जल के सूखे पाइप और भारी भ्रष्टाचार बेरसिया विधानसभा में किया गया है। और साथियों अगर सबसे ज्यादा कहीं अत्याचार हुआ है तो बेरसिया विधानसभा में बीमा की राशि इन्हें नहीं बांटने दिए। हमारे किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, एक भी व्यक्ति यहाँ पर हाथ उठाकर ये नहीं बोल सकते कि बेरसिया विधानसभा में सुखी है। और सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो मेरे सरपंच परेशान है जिनने चुनाव लड़ा, कहीं ना कहीं वो सहन कर रहे हैं ये 50% वाले विष्णु खत्री को। सरपंच निधि मांगने जाते हैं तो पहले 50% विष्णु खत्री के पास पहुंचता है। मैं साथियों कहना चाहूंगी, अन्याय का दौर खत्म हुआ, पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर है, जनता कांग्रेस को चाहती है, जनता कांग्रेस को याद कर रही है साथियों, और कांग्रेस की सरकार बन रही है। और आपकी ये भारी तादाद मेरे भाइयों बता रही है कि कांग्रेस कम से कम 50,000 से ऊपर से यहाँ से जीत रही है। और मैं आप सब लोगों को बेरसिया के लिए कुछ कुछ खास बातें बताना चाहूंगी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे बेरसिया को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो रोड का। मैं वचनबद्ध हूँ कि गांव गांव रोड बनाऊंगी, मैं वचनबद्ध हूँ, मेरी माताओं बहनों को सर पे मटका रख करके 2 किलोमीटर जाने नहीं दूंगी। मैं वचनबद्ध हूँ कि मेरे सरपंचों को जो कांग्रेस के सरकार में जो अधिकार मिलते थे वो अधिकार दूंगी और गांव गांव का विकास कराऊंगी। मैं इस चीज के लिए वचनबद्ध हूँ। और मैं वचनबद्ध हूँ कि मेरी बेटियों अगर मेरी आवाज जा रही हो, इतने साल राज करने के बाद शर्म नहीं आती इनको बीजेपी वालों को कि एक गर्ल्स कॉलेज भी हमारे बेरसिया विधानसभा में नहीं है। मैं अपनी बेटियों के लिए गर्ल्स कॉलेज खुलवाऊंगी। यहाँ पर हमेशा युवा वर्ग युवा साथियों का जोश देख रहे हैं यहाँ भारी संख्या में, लेकिन कहीं भी हमारे यहाँ हमारे इंडोर और आउटडोर स्टेडियम नहीं है। हमारे बच्चों के लिए हम इंडोर और आउटडोर स्टेडियम लेकर के आएंगे। और मैं हमारे देव नारायण भगवान की कृपा बेरसिया विधानसभा पे खूब है और हमें भी बहुत बहुत उनका आशीर्वाद मिला है। तो जो हमारी परिक्रमा की जाती है, माननीय राजा साहब जी ने करी थी परिक्रमा, बहुत बुरी स्थिति है। इतना बड़ा देव स्थान होने के बाद उस स्थान को बनाया नहीं गया। तो मैं वचन देती हूँ कि देव नारायण भगवान की जहाँ से परिक्रमा होती है उस रोड को हम बनवाएंगे, जगह जगह पानी की व्यवस्था वहाँ करवाएंगे। हमारी हर सिद्धि मैया जिनके दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, वहाँ भी निर्माण कार्य कराया जाएगा, विकास के कार्य कराए जाएंगे। साथियों तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आज भाई दूज का दिन है साथियों, और आपकी बहन, आप बहन मानते हैं मुझे, कोई भाभी बोलता है, कोई बेटी बोलता है, आपकी बहन भाई दूज के अवसर पर आपसे हाथ फैलाकर मदद मांग रही है कि आप मेरी मदद करिए। अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को एक बार अवसर दीजिए। जय श्री हरिकरण आपके बीच कभी विधायक के रूप में नहीं पहुंचेगी। हमेशा आपने जिस तरीके 20 साल से मेरे संघर्ष में मुझे किसी ने बहन बोला, किसी ने बेटी बोला, किसी ने भाई भाभी बोला, किसी ने बहू बोला, हमेशा उसी रिश्ते का मान सम्मान रखूंगी और हमेशा जनता के सेवक के रूप में आपके समक्ष रहूंगी। और बेरसिया विधानसभा कांग्रेस यहाँ से विजय होती है, विधानसभा में हर एक मुद्दे हर एक परेशानी आप लोगों की लेकर के जाऊंगी। मैं आप सबसे यही प्रार्थना करती हूँ, आने वाली 17 तारीख को विष्णु खतरा, जो बेरसिया विधानसभा में विष्णु खतरा के नाम से पहचान रहा, इस खतरा को आने वाली 17 तारीख को आप सब लोग
भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी मशीन पर भी एक नंबर पर है। आप सब मदद करिए, जय श्री हरिकरण, आपकी बहन को एक बार मौका दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। साथियों, अब वो शख्सियत जिनको सुनने के लिए हम सब यहां एकत्रित हैं, वो शख्सियत जो जब देश की संसद में बोलते हैं तो नरेंद्र मोदी का सिंहासन यूं डोलता है, वो शख्सियत जिन्होंने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर जीवन शुरू किया और आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो शख्सियत जब अधिकार से बोलते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, अपनी जिंदगी, अपना सारा समय, जीवन के 82 वर्ष गरीब दलितों की सेवा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, पंडित नेहरू बाबा साहब अंबेडकर के असूलों के लिए, दलित आदिवासी पिछड़े और गरीबों के लिए जिन्होंने अपना जीवन अर्पण किया, वो शख्सियत, वो माननीय खड़गे साहब जब वो खड़े होते हैं, वो सभा में हो, संसद में हो, तो हर वो आदमी जो देश के दलित के, आदिवासी के, पिछड़े के, गरीब के, युवा के, महिलाओं के अधिकारों को कुचलने के बारे में सोचता है, उसकी रूह कांपती है खड़गे साहब की आवाज से। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब को कि वो आए, अपना आशीर्वचन भी दें। और मेरी छोटी बहन जयश्री को मैं कहता हूं, बेरसिया को कांग्रेस की अगली सरकार जिला बनाकर देगी, ये हमारा वचन और वादा आपसे। इस मंच पर पधारे हुए हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और जनरल सेक्रेटरी श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, सीनियर लीडर सुरेश पचौरी जी, महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट चंद्रकांत हंडूरे जी, गुरदीप सप्पल जी, अलका लांबा जी, कुलदीप इंडोरा जी, अरुण श्रीवास्तव जी, जयश्री हरिकरण जो कैंडिडेट है, अभी अभी उन्होंने बहुत से वायदे आपको दिए हैं, वो वायदे निभाना उनका काम है, उनको सपोर्ट करना हमारा काम। सुरेंद्र सिंह ठाकुर एक्स एमपी, अविनाश भार्गव जनरल सेक्रेटरी,
मनोज कपूर जी, रामकिशन ओझा जी और इस शहर का और इस एरिया का जो बड़ा महत्वपूर्ण और महान पुरुष या हुए हैं उनका मैं स्मरण करता हूं। माता हरी सिद्धि की जय, देव नारायण भगवान की जय। और ये हमारे श्री 108 गुरु ब्रह्मचारी और ठंडेश्वरी महाराज की पावन नगरी में और बिरसा मुंडा की आज जयंती है, जिसने आजादी के लिए लड़ा और उन्होंने बहुत कुछ त्याग और बलिदान देकर इस देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण पात्र उन्हें उठाया। भाइयों, माताओं और युवा मित्रों, किसान भाइयों और दूर दूर से आए हुए मेरे सभी बंधुओं और मित्रों, मीडिया के मेरे दोस्तों, ये चुनावी मीटिंग है, ये बड़ा महत्व का मीटिंग है। हम ये चाहते हैं कि इस मीटिंग के माध्यम से हमारे जो भी कार्यक्रम हैं, जो भी वायदे हैं और जो कुछ भी चव्हाण साहब अपने सरकार में घोटाले किए हैं, वो सारी चीजें लोगों तक पहुंचाना और आपको हम सुनवाना और लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि 18 साल में बीजेपी सरकार क्या की। और मोदी जी तो इतना टूर कर रहे हैं, शायद वो खुद ही एमएलए कैंडिडेट दिख रहे हैं। अरे भाई, इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तुमको भेजा है और तुम प्रधानमंत्री हो, वो सब छोड़ के हर गली गली फिर रहे, कहीं रास्ते पे रैली निकाल रहे, कहीं छोटे मोटे गांव में जाके भी भाषण कर रहे हैं। पहले तो आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, यानी आपको जो काम दिया गया है वो ठीक करो, फिर बाद में हर जगह घूमते जाओ। अपना घर ही उन्होंने ठीक नहीं रखा, लेकिन सब तरफ घूमते रहते हो। और इस देश में आज जो लोकतंत्र बचा है, आज जो संविधान बचा है, वो सिर्फ कांग्रेस के वजह से बचा है, मोदी के वजह से नहीं। मोदी तो आके परसों अब आरएसएस वाले और बीजेपी वाले उनको उनके भाषण पे उनको लीडर बनाया, क्या उनके क्या देखकर बनाया मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन देश के लिए तो कुछ नहीं किया उन्होंने।
और हमको पूछते हैं कांग्रेस वालों ने क्या किया। अरे कांग्रेस वालों ने तो ये किया, आजादी के बाद इस देश में एक सुई नहीं बनती थी, एक सुई नहीं बनती थी, एक नट बोल्ट नहीं बनता था। ऐसे जगह हमने रॉकेट तैयार करके भेज दिया। यह हमारी पहचान है। और हमको ये पूछते हैं तुमने क्या किया। अरे हम जो करते हुए आए हैं उसी के ऊपर तो 15 ये हमारा दूसरा चंद्रयान चढ़ा, तीसरा। और करें हम मेहनत, तालियां आप बजा रहे। ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, एक मेडिकल कॉलेज नहीं था। किसने बनाया? एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन, IIT जैसे इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े कारखाने, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि ये जो बड़े बड़े कारखाने हैं, बड़े बड़े डैम हैं, ये सब आधुनिक मंदिर है। और आधुनिक मंदिर हमने बनाया, इसीलिए तो आज लोगों को पेट भर खाना मिल रहा है। क्या भाखड़ा डैम आपने बनाया? हीराकुंड आपने बनाया? नर्मदा का भी फाउंडेशन हमने डाला, आधा काम हमने किया। तुम वहां पर हमारे नेता जिनको आप चाहते ही नहीं, फिर भी लोगों को दिखाने के लिए वल्लभ भाई पटेल का बड़ा एक स्टैचू किया, लेकिन हमने डैम बनाकर बाकी का काम जो भी सरकार आते करा के वहां पर दिया, ये भी हमने किया। और लोगों को पानी देने का, स्कूल खोलने का, कॉलेज खोलने का, ये बड़ी बड़ी चीजें हमने की। फिर भी हमको पूछते हैं वो आपने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। अरे हमने जो करना था वो करके दिखाया, इसीलिए तो इस जमहूरियत में तुमको प्रधानमंत्री बनाया। ये हमारे गरीब के वोटों से, ये हमारे माताओं के वोटों से, और ये वोट का अधिकार मिला किसके वजह से मिला? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के वजह से मिला। अगर तुम्हारे हाथ में हुकूमत होती तो आपने मनुशास्त्र लाते थे और सबको बोलते थे, दलितों को, तुम गांव में मत आओ, पानी मत पियो, पेंसिल मत पकड़ो, कागज हाथ में मत लो, गांव के अंदर से मत चलो। ये कानून आपका था। इस कानून को तोड़ने वाले जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब अंबेडकर, इन्होंने एक ढांचा बनाया। अरे हम तो इंसानियत और लोगों में एक जोश और गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, बैकवर्ड क्लास को, शेड्यूल कास्ट को और आदिवासियों को, सबको, छोटे मोटे व्यापारियों को, सब कुछ फायदा हो रहा है, किसानों को, ये सब हमारी देन है। 18 साल में तुम किया क्या किया? व्यापम घोटाला किया है, नहीं सही है, व्यापम घोटाला किया। और क्या किया कि जो पर्चे लिखते हैं बच्चे एग्जामिनेशन के, वो लीक कर दिए नहीं, तो ये जो है उनकी देन है।
और ये बीजेपी सरकार तो कहती है कि हम जो इस देश में सुख और समृद्धि लाएंगे, सबका विकास होगा, सबका क्या है ये कहना कहना, सबका विकास क्या है, सबका साथ सबका विकास, गरीबों का सत्यानाश, यही किया ना। कैसा आज किसान उसके ऊपर कम से कम 25,000 रुपए का टैक्स लगा है, 25,000 किसानों के ऊपर टैक्स। आप पूछेंगे कैसा, देखिए डीजल हमारे जमाने में 56 रुपए था, अब 95 रुपीस हो गया, 97 आपके पास, और भी ज्यादा। देखो कितना खुश है वो मोदी कि एक जगह 95, एक जगह 97, कहीं 100 रुपए। तो ये गरीबों के भलाई के लिए चव्हाण और मोदी कर रहे हैं। खेती पर जीएसटी कोई नहीं लगाया, खेती पर टैक्स पहले, आज फर्टिलाइजर 5% है नहीं, दूसरा ट्रैक्टर पर 12%, पेस्टिसाइड पर 18% और यूरिया पर पहले 40,000 करोड़ रुपए सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट खोलती थी, अब वो कम करके ऐसा एक वातावरण बनाया, जब सब्सिडी के पैसे कम होते हैं उतना ही यूरिया महंगा होता है, मिलता नहीं, और ये बोलते किसान भाइयों आपके आपका जो है मैं दुप्पट कर दूंगा आमदनी, किसान की आमदनी मैं दुप्पट कर दूंगा, ये कहा क्या नहीं, तो दो गुना, अच्छा दो गुना, दुप्पट बोलते दो गुना, चलो। लेकिन ये यूरिया के बैग 5 किलो कम किया और इसमें चोरी की, उसको उसकी कीमत उतनी रखी लेकिन क्वांटिटी कम कर दिए, ये ऐसे चोरा है। आपको मालूम भी नहीं हो ना, आप थैले लेके निकलते हैं लेकिन 5 केजी कम है उसमें, पैसे तो वही है। दूसरा ये हमारे उसी लिए तो ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, फर्टिलाइजर मिल रहा नहीं, लोग लड़ रहे हैं, ये उनकी देन है। डीएपी की कीमतें बढ़ाई, पहले 1,075 था, अब बढ़कर 1,350 हो गया, तो कौन इसमें किसानों की भलाई की आप देख लीजिए। अगर हम कहते तो कांग्रेस वाले ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन मैं आंकड़े के साथ बोल रहा हूं, किसने क्या किया, कैसा किया, हमको आपको कैसा धोखा दिया, ये मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद अब वक्त आया है, 18 साल के बाद इस सरकार को बदलेंगे या नहीं, बदलेंगे या नहीं, अगर बदलना जरूरी है, क्योंकि ये सब चल रहा है घोटाला, अगर इसको नहीं बदलेंगे तो आगे आने वाले दिन और खराब होंगे और सबको परेशानी होगी, और ये कोई बीजेपी वाला पूछता ही नहीं उनको, अरे भाई यूरिया बढ़ा, डीएपी बढ़ा, जीएसटी बढ़ा, सब बढ़ा, ये सब अगर मिलाए साल को 25,000 रुपए
तुम्हारे ऊपर वो टैक्स गिरता है। तो एक दिन के बोल रहा हूं मैं, तो आपको याद रखना होगा, इनको भगाना होगा। जब तक इनको भगाएंगे नहीं तब तक ये लोग ऐसा ही लूटते रहेंगे, और लूटते लूटते यहां तक वो करेंगे। मैं समझता हूं वोट का अधिकार भी आज नहीं कल छीन लेंगे, और बोलेंगे भाई अगर आप अदानी के जैसा हो, अंबानी के जैसा हो, बिरला के जैसा हो, या और अमीर लोग जो है, अगर आप ऐसे ही हैं, बड़े बड़े जमींदार हैं, तो ही आपका वोटिंग का अधिकार, नहीं तो अगर आप गरीब हैं, तो हम वोटिंग का अधिकार नहीं देंगे, ऐसा इनकी चाल चलेगी। वो एक ही हिंदुस्तान को आजादी मिलने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल जी, अब्दुल कलाम आजाद जी, सभी ने मिलके हर गरीब को वोटिंग का अधिकार दिया और सबको समान दिया, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर, चाहे वो छोटा दुकानदार हो, चाहे मजदूर किसान मजदूर हो, ये हमारी देन है। और ये देन देने के बाद ही आप लोग जो घर घर आ रहे हैं आज वोट मांगने के लिए, अगर संविधान नहीं होता, वोटिंग का पावर अगर आपको नहीं मिलता, तो आप लोग कोई भी गरीब के दरवाजे पे नहीं जाते थे। आज इस माता को यहां पर सीट मिला और डट के बात कर रही है, अपने हकूक के लड़ने की बात कर रही है, तुमको कुछ सहूलतें दिलाने की बात कर रहे, क्या वजह है ये? पहले तो तुमको कोई सुनता नहीं था, आज एक एमएलए के नाते वो इस उम्मीदवार बोल के ठहर के तुम्हारे जितने भी तकलीफात है वो सब वो खुद ही उसको निकालने का महसूस, वो मदद करने की बात उन्होंने कही। ये है हमारा देन भाइयों। इन्होंने फिर बार बार नहीं पूछना हमको क्या, चव्हाण भी चीफ मिनिस्टर नहीं बनता था, अब खुद ही बोलते हैं वो लोग हम गरीब है, मैं वो करता था। और मोदी साहब भी चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते थे, क्योंकि अब वो खुद ही बोलते हैं मैं गरीब हूं, मैं चाय की दुकान लगाया था, वो लगा ये लगा, ऐसा बोलते हैं। अब मैं ओबीसी हूं, अब बोल रहे हैं। अरे हम तो ओबीसी के लिए जनगणना चाहते हैं, जो गरीब है मालूम होने दो, जो बैकवर्ड क्लास का आदमी है जिसके पास कुछ नहीं है, तो हम जनगणना में सेंसस में लाएंगे जिसके पास क्या क्या है, कौन कितना कितना कमाया है, कौन कितना कितना जमाया है, ये हमको मालूम होगा। फिर आने वाली गवर्नमेंट सबको सहूलत देगी, किसी के छीन कर हम दूसरों को देने का वायदा नहीं कर रहे, हम सबको समानता का सामाजिक न्याय देने की बात कर रहे हैं। और एक लोग भड़काने की बात करते हैं, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों को हमेशा देखते हुए है, समानता का अधिकार हमने लाया, फूड सिक्योरिटी भोजन का अधिकार हमने दिया, शिक्षा का अधिकार हमने दिया, आदिवासियों को वन अधिकार हमने दिया, रोजगार का अधिकार नरेगा जैसा स्कीम हमने दिया। तो ये सब कांग्रेस के देन है। और तो आपका देन क्या है, आप बोले, मोदी साहब बोले भाइयों और बहनों आप सभी मिलके मुझे 2000
14 के इलेक्शन भी जिता के लाइए। मैं हर व्यक्ति को उनके जेब में जो विदेश में काला धन है वो लाकर हर एक को 15-15 लाख, तो आपको मिला 15 लाख कैसा? यानी चीफ मिनिस्टर झूठ बोल रहे? अरे चीफ मिनिस्टर कैसा झूठ बोलते भाई, सॉरी प्राइम मिनिस्टर कैसा झूठ बोलते? 15 लाख जब देता हूं बोलते हैं और जो कहते हैं वो सब हम करते हैं। कांग्रेस के लोग झूठ बोलते हैं ये बोले रहे अपने भाषणों में, तो कहा है 15 लाख? और आपने ये कहा कि हर एक हमारे युवक है, युवाओं को 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। 2 करोड़ हर साल मिला नौकरियां, नहीं मिला तो ये भी झूठ बोले? अच्छा, तीसरा किसानों की आमदनी डबल करने का, 2 गुना करने का कहा, वो हो गया? फिर क्या करे उन्होंने? नहीं, कांग्रेस को गालियां देने वाले और वो ये कह रहे थे कांग्रेस के लोग मेरे को रोज 1 क्विंटल गालियां देते हैं। भाई हम तो 1 क्विंटल गालियां आपको नहीं देते, आप 1 क्विंटल झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए हम बोलना पड़ता है। कहां जाओ झूठ बोलते फिरते हैं। उसी तरह किसानों का देखिए, यूरिया डीएपी ये सारी चीजें मांगे करके किसान भाइयों को मैं उनको उनका विकास करूंगा। अरे आपके पास अगर विकास करने की ताकत नहीं है, हम आपको 2024 में बाहर गद्दी से निकाल देंगे। और इस वक्त इस चुनाव में 17 तारीख है ना, वोटिंग कहाँ है? 17, तो 17 तारीख को ये महाशय तो जाएंगे, उनके पीछे फिर वो मोदी जी बोल के जप करना पड़ता है इनको। अभी भी उन्होंने उनको निकाल दिया है, आप देखे होंगे उनको फोटो सबसे छोटी रहती है, सबसे बड़ा फोटो किसका? मोदी का। बाकी के लोगों का बहुत से स्कीम, मैं लाता हूँ वो लाया हूँ, ये कब? 18 साल के बाद आपको अब याद आ गया? जब लोग आपका पीछा करे, आप जो झूठ बोल रहे हैं उसके लिए उन्होंने जो लोगों के सामने लाया, तब लोगों को भ्रमित रखने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए ये माता और बहनों को मैं इतने पैसे दिया। और हमने जो मैनिफेस्टो लाया तो ये मैनिफेस्टो हमारा है, तो वो देख लिए उन्होंने, वो देख के उसकी कॉपी कर दी। हम कहे महिलाओं को हमारी सरकार 1,500 रुपए प्रति माह देंगी, हर महीना ये देने का हमारा वायदा है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर कांग्रेस सरकार देंगी, 100 यूनिट बिजली बिल माफ, 200 यूनिट का हाफ। किसानों का कर्ज पहले भी कमलनाथ जब थे थोड़ा माफ कर दिया, अब किसानों का कर्ज भी माफ। तो कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल, किसानों का 5 हॉर्स पावर बिजली बिल माफ, सिंचाई के पुराने बिल भी माफ, और बैकवर्ड क्लास के लिए 27% आरक्षण, यानी उनको भी आरक्षण दिया जाएगा। 12 घंटे सुनिश्चित सिंचाई की बिजली हम देंगे,
और बैकवर्ड क्लास कास्ट सेंसस हम कराएंगे ताकि सबको मालूम होगा कौन किस जगह ठहरा है, उसकी हैसियत क्या है, उसको क्या मदद करना चाहिए, वो भी हम करवाएंगे। और जो किसान आंदोलन में जो मुकदमे आपके पास है, आपके ऊपर है, उसको हम निकाल देंगे, वापिस लेंगे, और ये है गारंटी हमारी। और ये देखकर चार दिन पहले क्या दो दिन पहले उन्होंने यही कॉपी करा और लोगों को बोलने लगा, रहे हम ये देते। अरे भाई, देना है तो लास्ट इलेक्शन में देना था, या उसके पहले इलेक्शन में देना था, या जब शुरू में आप बने चीफ मिनिस्टर उस वक्त देना था। जब हम निकाले हमारा मैनिफेस्टो तब उनका आया, यानी हमारी कॉपी कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास असलियत है, आपका प्रणाल के निकालो, मैनिफेस्टो निकालो, देना था, वो नहीं दे रहे। तो इसीलिए हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए। गरीबों की जो उद्धार करने वाले, कल्याण करने वाले की सरकार हमको होना है। और ये बाकी का तो मैं नहीं कहता, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इतने घोटाले जो हुए हैं हमारी सरकार आने के बाद, उन घोटालों को उसकी इंक्वायरी करेंगे। अगर हम इंक्वायरी नहीं करेंगे, ऐसा ही छोड़ देंगे, तो फिर दूसरा करेगा ऐसा ही। जो किया है उसको जरूर शिक्षा मिलना चाहिए। और ऐसा ही गुमराह करके अगर वो चलते रहेंगे, व्यापन घोटाला, पेपर लीक घोटाला, इतने घोटाले, वो मंदिर, एक मंदिर दुरुस्ती का, महाकाल मंदिर, अरे भाई उसमें भी नहीं छोड़े उन्होंने। मैं सुना आपके पास 50% कमीशन। कर्नाटक में हमारे पास एक सरकार थी बीजेपी की, वो 40% वाली थी, ये 50% वाली है, उससे 10% आगे। तो आप ही सोचिए, इनको निकालना या रखना, बोलिए आप, निकालना। सब हाथ उठाइए निकालने वाले। मुझे खुशी हो गई, आप में इतनी ताकत है, आप जरूर चव्हाण के सरकार को उखाड़ फेंक देंगे। और मोदी साहब क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े कारखाने बेच रहे, जो हमने बनाया, जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया, वो सब एक एक करके एयरपोर्ट, पोर्ट, सड़क और कंपनियां जो घाटे में नहीं है वो भी बेच के खा रहे हैं। और ये कहते हैं नेहरू जी का जिक्र भी नहीं करते उन्हें। अरे जो आदमी इस देश के लिए 14 साल जेल में रहा और बड़े बड़े कारखाने उन्होंने खड़ा किया, पानी के लिए बड़े बड़े डैम बनाए, लोगों को जब खाना नहीं मिलता था तो बड़े डैम बनाकर इस देश में एक दाना गेहूं नहीं मिलता था, सब लोगों को आज चावल है। ये ऐसी बनाने की ग्रीन रेवोल्यूशन, हरी क्रांति, हमारी माता जो इंदिरा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, नेहरू जी, इन्होंने बनाया, तब पेट भर खाना आप सबको मिल रहा है। वही उसमें से 5 केजी मैं देता हूं भाइयों, 5 साल तक मैं बढ़ा दिया। कहां से लाए भाई चावल, कहां से लाए गेहूं, सब हमने हरी क्रांति, सफेद क्रांति, दूध का हम किए, और हमारे दूध पीकर ये बड़े हो गए हैं, और हमको ही बोलते क्या क्या अमूल उन्होंने बनाया, कौन बनाया, हमने बनाया, वही दूध ये पीते थे, अभी भी पी रहे। तुम्हारा क्या निशाना है बताओ भाई, ये करे हम वो करे,
तो ऐसे लोगों के लिए एक ही है कि आप लोग हमको मजबूत करेंगे और ये जो हमारे कैंडिडेट है श्रीमती जयश्री, इनको आप जरूर चुन के लाएंगे और भारी बहुमत से लाएंगे। तब क्या होगा, चव्हाण को खुद शर्म आएगी, अरे भाई मैं इतना बदनाम हो गया हूं, एक सामान्य महिला को लोग इतना बहुमत दे रहे हैं, कुछ ना कुछ मेरी गलती है, तब वो महसूस करेगा। और एक मैं बात करूंगा कि मोदी साहब सबको नौकरी देने की बात की, और इसमें दिल्ली में या बेंगलोर में इधर उधर जाते हैं, वो क्या करते हैं, सरकारी नौकरियां इस देश में 30 लाख नौकरियां खाली है, लेकिन मोदी जी 10,000-5,000 भरते हैं, वो भी भरने के बाद खुद ही पर्चे कमेटी में या बड़े एक हॉल में वो बांटते हैं नौकरी, ऐसा तो लोग देखना, अरे मोदी साहब खुद अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। अरे भाई अपॉइंटमेंट देने तुम्हारा काम नहीं है, कोई भी क्लर्क करता है, पोस्ट से जाता है, तुम क्यों तकलीफ उठा रहे हो वो पेपर देकर, और भरना है तो 30 लाख भरो, शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिलता, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिलता, बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन मिलता, वो नहीं भर रहे, गरीबों को रोजी रोटी मिलता नहीं, तुमने उनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर बनाया, डेली वेजेस पे रखा, क्योंकि उनको प्रोविडेंट फंड नहीं मिलना, उनको ईएसआई फैसिलिटी नहीं मिलना, उनको जो हॉलीडेज के नहीं मिलना, उनको गरीबों को कोई सुख और समृद्धि से वो वंचित रहे, ये तुम्हारा काम है, और बात बड़े बड़े करते हो, तो इसलिए भाइयों मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए, अगर उन्होंने आए भाई पहले बताओ 30 लाख जो नौकरियां खाली है रेलवे में, दूसरे डिपार्टमेंट में, टीचर्स में, वो सब पहले आप दिलाओ, उसके बाद में बात करो, ये आप कहना चाहिए। तो ये मेरी चंद बातें थी, और हम जब हुकूमत में आते हैं हम काम करते हैं, तो ये लोग काम करने वाले भी नहीं है और लोगों को सताने वाले हैं और लोगों का दिशाभूल करने वाले हैं, इसीलिए फिर एक बार मैं आप सभी से विनती करूंगा, कांग्रेस को वोट दो, हाथ को वोट दो। आपको मालूम है, अब तो सभी को नया ट्रेंड है कि आप को इस अब नए सिस्टम के साथ बटन दबाना है। पहले हम बोलते थे, जब मैं पहली बार इलेक्शन में ठहरा हुआ था 72 में, तो उस वक्त बोलते थे हम न जात न पात, बटन दबाओ हाथ पर बोल के। अब ये भी न जात न पात, बटन दबाओ हाथ के निशान पर, और हमारे माता को चुन के लाओ, और भारी मोहल्ले से हम सब पार्टी के लोग आप उनके साथ हैं और आपके साथ हैं। धन्यवाद। और एक मैं स्लोगन दूंगा, आप भी मेरा साथ देना चाहिए, और एक स्लोगन से मैं अंत करता हूं, जय हिंद। अरे क्या भाई, अभी हम तो दूर से आए, हमारे को अभी नाश्ता नहीं मिला, लेकिन नाश्ता करके आप आए होंगे,
जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। सबको धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। हेलो, आदरणीय खड़गे जी का आप सबकी ओर से, बेरसिया के कांग्रेस परिवार की ओर से, आप सबकी ओर से यह अभिवादन स्वीकार करें। आदरणीय माननीय खड़गे साहब, मैं खड़गे साहब को एक बात और बताना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि बहन जयश्री के अतिरिक्त 5 प्रतियोगी और थे जो टिकट की लाइन में थे, भाई राम मेहर, भाई विनय मेहर, भाई मिश्री लाल जी, भाई प्रभु लाल जी, राम कन्हैया जी, वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे तन मन धन से सभी लोग मिलकर बहन जयश्री को जिताने के लिए कृत संकल्पित हैं।